You're going to jail. Oh my god. No, what the? You are going? What the? Try get it off. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हमें प्यार क्यों होता है? क्या प्यार केमिकल लोचा है? हम प्यार में पागल क्यों हो जाते हैं? अगर आपको किसी लड़की से प्यार है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने अपने जीएफ बीएफ के साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर जरूर करना। आपका प्यार आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है और हर कोई अपने चाहने वालों को अब कुछ ज्यादा ही याद करेगा। दोस्तों आप लोगों ने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक न एक बार प्यार जरूर होता है और आपने भी कभी न कभी प्यार किया ही होगा। कुछ लोगों को तो एक से ज्यादा बार भी प्यार होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर जिस प्यार पर पूरी दुनिया टिकी है वो होता क्या है? किस तरह हमें प्यार होता है? कैसे कोई अनजाना इंसान हमारे लिए सब कुछ बन जाता है? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको प्यार की साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों वैसे तो प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी से भी हो सकती है। हम सभी अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों यारों से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रेमी प्रेमिका के बीच में होने वाले प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक जटिल सवाल बनकर रह गया है कि क्यों कोई पराया इंसान इतना अजीज हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जब इंसान किसी के प्यार में होता है तो उसका दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है। उस इंसान को ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसा कि नशे का सेवन करने के बाद महसूस होता है। यही वजह है कि इंसान प्यार में जादुई सा महसूस करता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जो व्यक्ति प्यार में होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और ये बात उसे हम इंसानों से बहुत अलग बनाती है। असल में तो प्यार किसी नशे की तरह है जो लत और जुनून बनकर सिर चढ़ जाता है। और ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि प्यार अंधा होता है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों के हिसाब से ये बात 100% सच है, क्योंकि जो इंसान प्यार में पड़ा होता है ना, उसे अच्छे बुरे की कोई समझ ही नहीं होती। लेकिन आखिर इंसान के दिमाग में इस तरह के बदलाव क्यों आते हैं? तो दोस्तों मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट फियर्ड का कहना है कि इन सब के पीछे इंसान के दिमाग में मौजूद फेनियर एथाइल एनिमा नाम के न्यूरोकेमिकल का हाथ है। ये रसायन प्यार में पड़े इंसान को उसके पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज करवाता है। उसे ऐसा एहसास करवाता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। सिर्फ इतना ही नहीं, यही वो न्यूरोकेमिकल है जो किसी भी इंसान के प्रेमी या प्रेमिका को उसकी जिंदगी में सबसे ऊंचा स्तर दिलवाता है। असल में दोस्तों ये रसायन हम सभी के दिमाग में होता है, लेकिन प्यार में पड़े इंसान में ये कुछ ज्यादा ही उत्पन्न होने लगता है। पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इस न्यूरोकेमिकल का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि कुछ समय बाद ये गिरने लगता है और 4-5 साल बाद तो इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ समय बाद प्यार खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हुई प्यार में पड़ने के बाद केमिकल के अप डाउन की बात, लेकिन एक सवाल अभी भी आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर हम किसी एक इंसान के प्यार में पड़ते कैसे हैं? तो दोस्तों इस विषय में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी रिसर्च की और मनोवैज्ञानिक आर्थर ऑरेन के अनुसार प्यार में होने के लिए संवेदनाओं के अलावा कई और चीजें मायने रखती है और इंसान की आंखें उनमें से एक है। ये बात उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताई, जहां पर कई सारे अनजान लड़के लड़कियों को 90 मिनट तक एक दूसरे से बात करने के लिए कहा गया और फिर उसके बाद 4 मिनट तक सिर्फ उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए कहा। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई सारे लोगों के साथ किया और उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि आंखों में देखने की वजह से वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में शामिल होने वाले 4 कपल ने तो आपस में शादी भी कर ली और 3 लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मोहब्बत में नाक भी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हर इंसान के शरीर से एक अलग प्रकार की गंध निकलती है जो नाक के द्वारा दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग उसे डिकोड करता है और फिर उस अजनबी इंसान के जेनेटिक्स की जांच करता है। अब ये सब किस तरह होता है ये तो हमें भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि दिमाग अपना काम लगातार करता रहता है।
और आप इस बात का शायद विश्वास ना करें कि हमारा दिमाग गंध को सूंघ कर ही जो जेनेटिक संरचना करता है उससे दिमाग ही पता लगाता है कि सामने वाले व्यक्ति जिसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं वो हमारा जीवन साथी बनने योग्य है या नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी इंसान में आकर्षण की प्रक्रिया 80 सेकंड में 4 मिनट से शुरू होती है और आकर्षण की इस प्रक्रिया में 55% योगदान हमारी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी का होता है, 38% हमारे बातचीत के अंदाज का होता है और 7% आकर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि आप बोलने में कितने कुशल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्यार को कुल 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है जिनमें से एक है तन की चाह, दूसरी है मन की चाह और तीसरी है जन्म जन्म का साथ। अगर हम पहले हिस्से की बात करें यानी तन की चाह जिसे अट्रैक्शन भी कहते हैं तो दोस्तों ये ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ वासना होती है जो सेक्स हार्मोन से निकलती है जो अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए और शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर बात करेंगे दूसरे हिस्से की दो है मन की चाह जिसे अफेक्शन कहते हैं। दोस्तों ये जो चरण होता है इसके लिए डोपामिन नाम का केमिकल जिम्मेदार है क्योंकि जब ये रसायन सक्रिय होता है तो प्यार जैसा फील होता है जिसमें कुछ सूझता ही नहीं, रातों की नींद दिन का चैन सब छिन जाता है और इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी और प्रेमिका के बारे में सोचता रहता है और अधिकतर इस स्टेज पर जब आते हैं तो उनका दिमाग फिर जाता है। अब हम तीसरे हिस्से की बात करें यानी कि जन्म जन्म का साथ यानी डीप लव। ये अवस्था हमारे जीवन में आकर्षण के बाद आती है जब रिश्ता लंबे समय तक चलता है क्योंकि इंसान आकर्षण की अवस्था में लंबे समय तक नहीं रह सकता। लेकिन ये जो डीप लव होता है ना ये लोगों के अंदर समझदारी पैदा करता है और लंबे समय तक साथ बरकरार रखने में मदद करता है। अब दोस्तों वैज्ञानिकों के हिसाब से प्यार क्या है ये तो हम आपको बता चुके लेकिन एक बात आप ये जान लीजिए कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। ये इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है जो उसे जिंदा रहने का एहसास दिलाती है। अब भले ही इसमें कई सारे केमिकल लोचे होते हों लेकिन वो केमिकल लोचे भी हमारे शरीर के लिए अच्छे ही हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।